हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का इंडियन मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज जो रहेगा वो सीटेट का पेपर टू का जो है 6 to 8, उसके लिए 10 डिफरेंस टाइप के जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ उसी का नेक्स्ट वीडियो रहेगा, उसी का एक पार्ट रहेगा। ओके, तो आज हम लोग करेंगे 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ऑफ मैथ्स। तो पहला क्वेश्चन जैसे आप देख सकते हैं 50 नंबर का, वो क्या है, तो किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्षेत्रफल जो है वो कितना है, तो दिया हुआ है 22.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये क्षेत्रफल है और इसके एक विकर्ण पर उसके सम्मुख शीर्ष लंब से डाला गया लंब की लंबाई जो है वो कितना है, 7.2 सेंटीमीटर तथा 8.2 सेंटीमीटर, इस विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो ये निकालना है हमें विकर्ण की लंबाई। ओके, तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर ही मैंने एक चतुर्भुज बना दिया है जिसमें लंब क्या दिया हुआ है, तो एक दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर। ओके, और दूसरा लंब जो है वो दिया हुआ 8.8 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें क्या निकालना है, बी डी, मतलब कि इसका विकर्ण निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि ए बी डी एक त्रिभुज बन रहा है और बी सी डी दूसरा त्रिभुज बन रहा है, तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कि चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल जो होगा वो दोनों त्रिभुज के, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल का योग होगा। लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो जो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ए बी डी, ए बी डी में आप देख सकते हैं बी डी क्या है, इसका आधार है, बेस है, और ए और इसका कुछ भी नाम ले लीजिए आप, ए ओ जो है इसका लंब है। ओके, वैसे सी और पी जो रहेगा उसका लंब रहेगा, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, हाफ इंटू बी डी मैंने लिखा बेस इंटू हाइट क्या था 7.2 प्लस इस त्रिभुज के लिए हाफ इंटू बी डी सेम बेस हो जाएगा और इंटू 8.8 जो होगा इसका लंब, और ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या दिया था 22.22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, बस इसे सॉल्व कर लीजिए आप, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से होगा। देखिए यहाँ पर क्या था, नीचे 22 था, इसे मैंने कॉमन लेके दूसरे साइड कर दिया, मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ओके, यहाँ बी डी बी डी कॉमन था तो मैंने बी डी को कॉमन निकाल दिया और दोनों को ऐड कर दिया, तो 16 आ गया, 16.0, तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं आता, डेफिनेट 16 आ गया। ओके, तो देयरफॉर बी डी क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल टू जब ये दूसरे साइड जाता है तो डिवाइड में चला जाता है, तो 4.4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 16, विच मीन्स इसका आंसर जो आ जाएगा 28.4 सेंटीमीटर। ओके, तो आई होप आपको समझ आ रही होगी, बी डी विकर्ण निकालना था, तो बी डी कितना हो गया इसका 28.4 सेंटीमीटर, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन थ्री जो होगा इसका सही आंसर होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, कि यदि 14, 12, 34 तथा 30 प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं, तो क्या करना है कि रूट अंडर 12x+9 का क्या मान होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसे कैसे करते हैं, तो क्या क्या दिया हुआ देखिए, 14, 12 और 34 में जब x जोड़ा जाता है तो समानुपात, तो पहले जान लेते हैं समानुपात होता क्या है। ठीक है, तो देखिए जब हम ये अनुपात में दिया हो कोई भी नंबर इस तरह से ए बी सी डी, तो जब ये समानुपात होता है तो ए बी के नीचे आ जाता है, इक्वल टू सी जो होता है डी के नीचे आ जाता है। ठीक है, यही दिया हुआ है क्वेश्चन में, कि जब इनमें एक्स जोड़ा जाता है तो क्या कीजिए कि सब में एक्स जोड़ दीजिए, अब समानुपात है तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, 12x आ जाएगा इक्वल टू, देख सकते हैं सी के प्लेस पे 34 था, तो लिखिए 34 प्लस एक्स जोड़ा इसमें मैंने, क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 प्लस क्या, तो एक्स हो गया, बस इसे सॉल्व कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कीजिए और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 14 प्लस एक्स, ठीक है 30 प्लस एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1/1 इसे सॉल्व करेंगे।
ठीक है, देख सकते हैं 14 को रखा और पूरा ये नंबर, फिर प्लस एक्स को रखा और फिर उसे पूरा ये नंबर, सेम प्रोसेस इसके साथ भी किया। ओके ठीक है, अब देख सकते हैं इसे मल्टीप्लाई किया तो 420 आ गया, इसे किया तो 14x, सेम प्रोसेस सबके साथ अप्लाई किया तो इस तरह का कुछ आ गया। तो अब देख सकते हैं ये एक नंबर जो है, सारे नंबर को एक साइड लेकर आइए, ठीक है। तो एक साइड लाने से क्या होगा, दूसरे साइड में जो होगा वो जीरो आ जाएगा। ओके ठीक है, देख सकते हैं आप, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो 44x आ गया प्लस एक्स स्क्वायर, और जब इन तीनों चारों को अपोजिट साइड लाया तो प्लस साइन था तो माइनस हो गया, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके कितना आ गया, 46 आ गया था, तो ये भी माइनस हो गया। देखिए यहाँ पर भी माइनस और प्लस कट गया आपस में, बस इसे माइनस कर दीजिए आ जाएगा आपका आंसर। तो देख सकते हैं 12 - 2x जो आ गया जीरो आ गया, तो इसलिए एक्स कितना हो जाएगा, इसे दूसरे साइड लाया तो 12/2 दैट मीन्स 6। निकालना क्या था, रूट अंडर 12x+9 निकालना था, तो आप बता सकते हैं अब आराम से कि 12 × 6 कितना हो जाएगा, 72 + 9 विच इज इक्वल टू 81। 81 का रूट क्या होता है, 9। तो देख सकते हैं कि आप ऑप्शन नंबर जो है वो 3 इसका सही आंसर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देख सकते हैं क्या है, 11x - 16y+7a प्राप्त करने के लिए 5y - 13x - 8 में से क्या घटाना चाहिए। तो देखिए आपको दिख रही होगी क्वेश्चन, तो 5y - 13x - 8 ए में से क्या घटाना चाहिए, तो मान लेते हैं कि क्यों घटाना चाहिए, तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो 11x - 16y+7a प्राप्त करने के लिए। ओके तो इस तरह के क्वेश्चन को बस सॉल्व कर दीजिए आ जाएगा आप, आपका आंसर। देख सकते हैं कि यहाँ क्या है, माइनस है, तो इसे अपोजिट साइड ले जाएंगे तो प्लस बन जाएगा, और बाकी सबको दूसरे साइड लेकर आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ओके तो यहाँ पर देख सकते हैं जो नंबर था एज इट इज मैंने लिख दिया, अब ये 11 को जब अपोजिट साइड लाया तो -11x + 16y - 7a = जब माइनस क्यू अपोजिट साइड जाता है तो प्लस क्यू हो जाता है। ओके ठीक है, यही निकालना था तो बस हो गया। देखिए y कहाँ कहाँ है, देखिए पहले y यहाँ है और यहाँ है, 21y हो गया राइट। अब x देखिए यहाँ है और यहाँ है, तो -24x हो गया ठीक है। अब यहाँ क्या है, -8 और -7 मीन्स -15, a = क्या आ गया हमारा, q आ गया। ओके तो देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही आंसर है। ओके आई होप आपको समझ आ रही होगी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी थैले में 3 सफेद गेंद है, मतलब व्हाइट गेंद कितने हैं, 3 है, नीले गेंद कितनी है, तो 2 है, और रेड जो है वो 5 है। ओके थैले में से यदाकृच्छ एक गेंद निकाला जाता है, मतलब कि ऐसे ही एक गेंद निकाल लिया जाता है, देखा नहीं जाता है ठीक है। निकाली गई गेंद लाल रंग की नहीं होगी, इसकी क्या प्रायिकता है, तो प्रायिकता के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि कोई भी घटना जब होती है तो उसकी जो होती है प्रायिकता जो होती है p = कोई भी घटना और डिवाइडेड बाई जो होता है कुल घटना, मतलब कि जैसे यहाँ गेंद है तो गेंद के बारे में ही बात कर लेते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ गेंद कितना हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ गेंद जो हो गया, बॉल जो हो गया वो कितना हो गया, तो 5 और 2 = 7, 3 = 10, तो 10 बॉल हो गए टोटल बॉल ठीक है। तो रेड बॉल निकालने की संभावना ज्ञात करना है, प्रायिकता निकालना है ठीक है। तो रेड बॉल कितना है देख सकते हैं, 5 है, तो 5 / टोटल जितना है गेंद वो ठीक है, तो क्या आ गया हमारा, 1/2। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी, तो ये क्या निकला, ये जो निकला वो लाल रंग आने की प्रायिकता निकला, लेकिन हमसे पूछा क्या है कि लाल रंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी लाल रंग नहीं होनी चाहिए उसकी प्रायिकता, तो वो निकालते हैं हम लोग p' से ठीक है। p' r जो हो गया वो कैसे निकलेगा, तो 1 - लाल रंग आने की प्रायिकता, तो वो हो गया 1/2, तो 1 में से 1/2 जाएगा, तो 1/2 ही आंसर आएगा। तो आप, आई होप आपको समझ आ रही होगी, आप देख सकते हैं कि ऑप्शन 1 नंबर जो है वो सही आंसर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है, कि √90 + √70 + √121 का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होने चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन बनते कैसे हैं, तो आपके जो है वो थोड़े से रूट याद रहने चाहिए जिससे क्वेश्चन बन पाए। ओके तो
तो देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें थोड़ा सा रूट याद रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसका। तो 121 का आपको पता होना चाहिए कि रूट क्या होता है, 11 होता है। ठीक है, 11 में मैंने 70 को ऐड किया, प्लस साइन था तो 88 हो गया। अब 88 का रूट क्या होता है, रूट 88 का क्या होता है, तो 9 होता है। ओके, 9 में जब मैंने 99 ऐड किया तो क्या बन गया, रूट अंडर 100, तो 100 का क्या होता है रूट, तो 10। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया, 10। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर एक जो है इसका आंसर है। कैसे किया मैंने, इसका रूट 11, 11 में 70 को ऐड किया 81, 81 का रूट 9, 9 में 91 को ऐड किया तो 100, 100 का रूट 10। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है कि एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान ही हो। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बताएं। ठीक है, तो क्या है कि मान लेते हैं कि पंक्ति की संख्या क्या हुआ, पंक्ति की संख्या क्या है, तो x है। ठीक है, मान लिया ये x है और क्या बोला गया है कि पंक्ति की संख्या जो है पौधों की संख्या के बराबर है, तो पौधों की संख्या भी क्या होगा, पौधों की संख्या भी क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए गए हैं, तो ये जब लाइन से हम पौधे व्यवस्थित करेंगे, ठीक है, 784 पौधे, तो क्या होगा कि पौधों की संख्या और गुना पंक्तियों की संख्या बराबर दिया हुआ है 784। ओके, तो x और x मिलके x स्क्वायर हो गया, तो 784, फिर स्क्वायर जब हटता है दूसरे साइड जाता है तो वो बन जाता है रूट। ओके, तो 784 का रूट जो होता है वो 28 होता है। अब ये निकलता कैसे है, ठीक है, ये तो हो गया आपका आंसर, लेकिन आप सोच रहे होंगे निकलता कैसे, तो देखिए कैसे निकलता है। 784 का मैंने जब फैक्टर किया तो इससे तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार फैक्टर किया तो आया, तो ये क्या आएगा, रूट के अंडर आएगा। ठीक है, 2 × 2 × 2 × 2 × 7 × 7। ओके, इस तरह का कुछ आएगा। तो रूट से निकालने के लिए किसी भी संख्या का पेयर चाहिए, हमको जोड़ा चाहिए, तो रूट से जब दो ठो जोड़ा मिला दो का, तो एक जोड़ा एक निकलेगा। ओके, दो जोड़े मिलेंगे तो एक बाहर आएंगे, फिर देख सकते हैं दो जोड़े मिले तो एक बाहर आए, 7 × 2 = 14, 14 × 2 = 28। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी ये 28 कहाँ से आया। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन इस तरह बनाइएगा। ओके, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके, तो ऑप्शन नंबर एक जो रहा उसका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देख सकते हैं आप, 5/7 × 4 × 5/7 − 3 = 5/7 − 2x, तो x का मान ज्ञात करना। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। तो मैं आपको पहले एक फॉर्मूला बता देती हूँ कि a के पावर में जब m होता है और a के पावर में n होता है, तो ये जो होता है पावर जो होता है वो ऐड हो जाता है। ओके, तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो चलते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन में क्या है, 5/7 × 4 × 5/7 − 3, ठीक है, इक्वल टू क्या है, 5/7 × 5x − 2। ओके, तो देखिए यहाँ m है तो क्या हो गया पावर, m इक्वल टू 4 हो गया, n इक्वल टू 3 हो गया, तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो 5/7 मैंने लिख दिया, पावर ऐड करते हैं तो 4 प्लस, और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस, माइनस 3 इक्वल टू क्या है हमारा, 5/7 × 5x − 2। ओके, तो क्या होगा, 5/7 आया, 4 − 3 1 आ गया, 5/7। अब देखिए यहाँ पर ही कुछ इस तरह का आएगा हमारा, राइट। तो अब जो है पावर को हम लोग इक्वेट करते हैं, क्या करते हैं, पावर को हम लोग इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ का पावर क्या था, LHS का 1 और RHS का 5x − 2। ओके, तो x का वैल्यू निकालना है, तो x के साथ जो जो है उसको दूसरे साइड भेज दीजिए, तो माइनस था या दूसरे साइड आके प्लस हो गया। ओके, तो 3 हो गया। अब देखिए ये क्या है, मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो x का क्या निकल गया, x इक्वल टू 3/5। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी कैसे निकला। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर है। ओके,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थी, ठीक है, तो यह सदस्यों का कितना प्रतिशत है? तो आपको पता होना चाहिए प्रतिशत मतलब होता है 100। ओके, तो महिलाएं कितनी हैं? तो महिलाएं जो हैं वो है 4/25। तो बताना है कि ये सदस्यों को कितने प्रतिशत थी। तो कुछ नहीं करना है आपको, ये जो है प्रतिशत निकालने के लिए क्या किया जाता है कि 100 से गुना कर दिया जाता है। तो बस गुना करके काट दीजिए, 4 4 6 16, तो कितना प्रतिशत महिलाएं हैं? तो 16% महिलाएं हैं। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तो देख सकते हैं क्या है। एक दुकानदार ने अपने सामान की कीमतों में 10% की कमी की, ठीक है, एक सामान की नई कीमत क्या है? तो सामान की जो नई कीमत वो क्या है, अगर जो पिछली कीमत थी उसको बेची जाती है कितना में? 500 रुपये में बेची जाती है। ओके, मतलब पुरानी कीमत क्या थी? 500 रुपये थी, 10% की कमी जब हो गई तो बताना है कि वो कितने रुपीस में अब उसका प्राइस है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि विक्रय मूल्य जो है वो कितना है, तो विक्रय मूल्य जो है वो 500 है, राइट। तो इसका क्या किया, 10% की कमी कर दी, तो इसका 10% निकालने के लिए 10 नीचे 100, तो काट दीजिए कितना हो गया, 50, ठीक है। तो कमी कितना निकला, 50 निकला। और बताना है कि अब जो मूल्य था पिछला, नया कीमत वो क्या है, तो 500 में से 50 घटाइए तो आपका निकल जाएगा क्या, नया कीमत, मतलब 450 रुपया नया कीमत है। इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे 500 रुपये में बेचा, ये थी उसकी पुरानी कीमत, ठीक है, 10% की कमी कर दी, तो हमेशा जो हम लोग परसेंट लेते हैं कितना, कैसे लेते हैं, 100 में लेते हैं, ठीक है। कमी करेगा 10 का इसमें, तो 10 की कमी करेगा तो कितना आएगा, 90%, ठीक है। अब नया मूल्य निकालना है और किस में निकालना है, कमी में, तो हमेशा जो होगा ये कम वाला वो ऊपर हो जाएगा, और जिससे कंपेयर कर रहे हैं 100 से कंपेयर कर रहे थे, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 में लेते हैं, बस इसे काट दीजिए, आ जाएगा आपका एक ही स्टेप में आंसर 9 5 45 और ये 0, तो ये हो गया इसका आंसर। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 नंबर इसका आंसर हो गया। ओके, अगर ज्यादा बोलता तो 100 को ऊपर कर देते, 90 को नीचे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग क्या है कि निम्न तापमान डिग्री सेल्सियस में का डेटा शीट दिया हुआ है, -6 -8 -2 3 2 0 5 4 8। ओके, तो इसका परिसर निकालना है, तो क्या क्या नंबर दिया है, -6 -8 -2 3 2 0 5 4 8, तो इसका परिसर, तो परिसर का एक मैंने क्लास लिया हुआ है, उसे नहीं देखा है तो जरूर देख ले, मीन मीडियन मोड सभी उसमें बताए हुए हैं बहुत ही कम समय में। ओके, तो इसमें परिसर मतलब क्या होता है, इसे प्रसार भी कहते हैं, रेंज भी कहते हैं। तो सबसे ज्यादा नंबर मतलब उच्च सीमा जो होती है, उच्च माइनस निम्न स्कोर, ठीक है। तो देख सकते हैं उच्च सेल्सियस इसमें क्या है, तो इसमें उच्च सबसे ज्यादा सेल्सियस क्या है, 8, और निम्न सेल्सियस क्या है, तो निम्न जो होता है, देखिए 0 के बाद जितना भी नेगेटिव पॉइंट हम चलते जाएंगे, नेगेटिव वाला वो जितने नेगेटिव में बड़ा आएगा वो सबसे उसका छोटा होता है, तो सबसे छोटा इसमें क्या आ गया, -8। ओके, तो देख सकते हैं -8 -8 मिलके क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, 16। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी, तो 60 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो गया। ओके, तो पहला नंबर इसका आंसर है। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य से पर 40% बट्टा लगाता है, मतलब कि कमी करता है, तो उसको लाभ हुआ कि हानि प्रतिशत ये निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए आपको बहुत ही आसान सा एक ट्रिक होता है कि जब भी दो चीज दिया हुआ है, हानि और लाभ एक साथ, तो क्या करना है कि हानि या फिर लाभ प्रतिशत जो होता है, इसमें दोनों निकलते हैं, ठीक है, लाभ प्रतिशत जो होता है उसका फॉर्मूला होता है a+b, ओके, प्लस
ए इंटू बी डिवाइड बाई 100। ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखिए, आराम से बन जाएगा। तो क्या क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि क्रय मूल्य में 40% अधिक करता है, तो अधिक वाले में क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे, और क्या करता है अंकित मूल्य में 40 की कमी भी करता है, तो क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे, कमी में माइनस और लाभ में प्लस। ओके, बढ़ाएगा तो प्लस। तो ठीक है, तो ए हो गया कितना, +40, बी कितना हो गया, -40। ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो प्लस फिर क्या था, ए की जगह 40 इंटू -40 डिवाइड बाई 100। ओके, 0 0 आप देख सकते हैं कैंसिल हो गया, और ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गया। तो याद रखिएगा कि जब भी नेगेटिव आएगा तो वो हानि होता है, और पॉजिटिव आएगा तो वो लाभ होता है। तो देखिए 4 4 जा 16, और ये माइनस साइन था तो माइनस इतना परसेंट आ गया। ठीक है, तो यहाँ क्या शो हो रहा है, नेगेटिव, दैट मीन्स ये क्या हुआ, हानि हुआ। ओके, तो 16% की उसको हानि हुई। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 जो है उसका सही आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको क्लासेस अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अच्छे लग रहे हैं, और अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मिल पाएँ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।